नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कई राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर राजनीति करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के हिंदू मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल नहीं की। सवाल उठता है कि केवल मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में क्यों हैं, मस्जिद और चर्च सरकार के कंट्रोल में क्यों नहीं है, मजार और दरगाह सरकार के कंट्रोल में क्यों नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर एक देश एक धर्म स्थल संहिता कब बनेगी। देखा जाए तो मठों और मंदिरों पर नियंत्रण के लिए तमाम राज्य सरकारों ने 35 कानून बनाए हैं, लेकिन चर्चों मस्जिदों और दरगाहों पर नियंत्रण के लिए एक भी कानून नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है, लेकिन सिर्फ एक धर्म के उपासना स्थलों पर सरकारी नियंत्रण कौन सी धर्मनिरपेक्षता है। भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि मंदिरों पर 10% का टैक्स लगना एक तरह से जजिया वसूलने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि मठों मंदिरों की 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारें क्यों नहीं छोड़ना चाहती। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया है कि मंदिरों पर जो चढ़ावा आता है उसका 10% वो सरकार ले लेगी। मंदिरों के चढ़ावे से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की 10% लेगी, जो चर्च में चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी, जो मजार पे चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी, जो दरगाह पे चढ़ावा आता है उससे 1 रुपए नहीं लेगी, जो मस्जिद पे चढ़ावा आता है उससे कांग्रेस की सरकार 1 रुपए नहीं लेगी, लेकिन जो मंदिरों में चढ़ावा आता है उसमें कांग्रेस की सरकार 10% लेगी। दूसरी बात और भी है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये कानून के जरिए। संविधान ने कहा है सभी रिलीजन को इक्वल राइट है, सभी रिलीजन को अपना जो धार्मिक स्थान है उसको मैनेज करने का अधिकार है, मेंटेन करने का अधिकार है, तो फिर ये 10% जो जजिया है ये मंदिरों से क्यों लिया जा रहा है। मुगलों के समय में भी मठ मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, मुगलों के समय में भी मंदिरों का चढ़ावा लिया गया, अंग्रेजों के समय में भी मंदिरों का चढ़ावा लिया गया, और आज जब भारत स्वतंत्र हो गया है तब भी मंदिरों का चढ़ावा लिया जा रहा है। मैं इस कानून को चैलेंज करूंगा, मैंने पहले भी कुछ कानून बने हुए उनको भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन इस पे जन सामान्य को समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की किस चरम सीमा तक चली गई है। एक भी मजार सरकार ने कंट्रोल नहीं किया है, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। दूसरा, मजार दरगाह चर्च और मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं ले रही है, लेकिन मंदिर से 10% तो सीधे सीधे ले लेगी। इसके बाद जो वहां इंप्लाई है उनका वेतन, जो वहां साफ सफाई कर्मी अपॉइंट किए गए उनका वेतन, अलग अलग तरीके से भी वेतन लेती रहेगी। ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और इस कानून में एक और भी खतरनाक बात लिखी है कि ये जो 10% लिया जाएगा ये दूसरे रिलीजन के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब जो मंदिरों से 10% पैसा लिया जाएगा इसको इमाम को वेतन देने के लिए भी दे सकते हैं, इसको चर्च को भी दे सकते हैं, इसको मजार को भी दे सकते हैं, इसको दरगाह को भी दे सकते हैं, इससे इसको मस्जिद को भी दे सकते हैं, इससे पादरी को भी वेतन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कानून में लिखा हुआ है कि ये जो मंदिर से पैसा लिया जाएगा अन्य कार्यों में भी खर्च हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो मंदिर का पैसा लिया जाएगा इस पैसे से माइनॉरिटी के अंतर्गत माइनॉरिटी स्कीम भी चलेगी, और माइनॉरिटी स्कीम कितनी खतरनाक है आप समझिए। झुग्गी में चाहे वो हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे पारसी रहे, चाहे ईसाई रहे, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, लेकिन सरकार माइनॉरिटीज के नाम पे मुस्लिम्स को 1,000 रुपए देती है, क्रिश्चियंस को 1,000 रुपए देती है, लेकिन हिंदू को माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपए नहीं मिलता। अब गरीब आदमी क्या करे? तो जो गरीब हिंदू है वो अपने जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है तो नाम तो वही रखता है, अनिल कुमार, राम कुमार, श्याम कुमार रखता है, लेकिन रिलीजन वाले कालम में या तो बौद्ध लिख देता है या क्रिश्चियन लिख देता है, जिससे उसको भी 1,000 रुपए मिले, क्योंकि 1,000 रुपए मुस्लिम्स को मिलेगा, पारसी को मिलेगा, या बौद्ध क्यों मिलेगा, सिख को मिलेगा। तो एक तरीके से इस मंदिर का जो पैसा लिया जाएगा 10% ये कन्वर्जन के काम आएगा,
जो माइनॉरिटी के नाम पे स्कीम चल रही है, एक तरीके से ये हिंदुओं को माइनॉरिटी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। जो गरीब हिंदू है वो देखता है भाई मुस्लिम को तो 1000 रुपए मिल रहा है, क्रिश्चियन को 1000 रुपए मिल रहा है, काम करो अपने नाम के आगे क्रिश्चियन लिख दो, अपने नाम के आगे बौद्ध लिख लो। ये जो हिंदू बौद्ध वाला झगड़ा शुरू हुआ है वो भी इसी माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत चल रहा है, और माइनॉरिटी स्कीम का पैसा कहां से आएगा, ये मंदिर के चढ़ावे से आएगा। तो कहने का मतलब हिंदू जो मंदिरों में पैसा चढ़ाएंगे उसी पैसे से हिंदुओं गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन होगा। आप पैसा चढ़ाते हैं भगवान के नाम, भगवान के लिए आप पैसा चढ़ाते हैं कि हिंदू कार्य आगे बढ़े, आप पैसा चढ़ाते हैं मंदिर में कि धर्म का प्रचार हो, भगवद गीता का प्रचार हो, रामायण का प्रचार हो, आप मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं कि जो भी भगवान के कार्य हैं उसमें आगे बढ़ाया जाए। लेकिन होगा क्या, इस मंदिर में जो पैसा चढ़ाया जाएगा ये सरकार ले लेगी, और सरकार उसी से इमाम को वेतन देगी, पादरी को वेतन देगी, माइनॉरिटी स्कीम चलाएगी। माइनॉरिटी स्कीम चलाएगी तो गरीब हिंदू बेचारे मजबूरी में या तो बौद्ध धर्म अपनाएंगे या क्रिश्चियन बन जाएंगे या इस्लाम कबूल करेंगे कि उनको पैसा चाहिए होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में है उसमें आप 1 रुपए चढ़ाइए, बस केवल 1 रुपए। आपकी बहुत श्रद्धा है, आप मंदिर में दान करना चाहते हैं दान करिए, मैं दान करने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें 500 रुपए, 1000 रुपए, 1,00,000 रुपए मत डोनेट करिए। जब भी किसी मंदिर में जा रहे हैं आप दर्शन के लिए तो पहले पता कर लीजिए कि ये मंदिर क्या सरकारी कंट्रोल में है क्या। जैसे ही आपको पता चल जाए कि मंदिर सरकार के कंट्रोल में है आप वहां केवल 1 रुपए का सिक्का डाल के आइए। ये इससे फायदा क्या होगा कि सरकारें मजबूरी में ये मंदिरों को खुद ही फ्री कर देंगी। याद रखिए सरकारों ने मंदिर को क्यों कंट्रोल में किया हुआ है, क्योंकि वहां खूब चढ़ावा आ रहा है, तिरुपति में भी खूब चढ़ावा आ रहा है इसलिए सरकार ने कंट्रोल किया है, सिद्धि विनायक में खूब चढ़ावा आ रहा है सरकार ने कंट्रोल किया, वैष्णो देवी में खूब चढ़ावा आ रहा है सरकार ने कंट्रोल किया। तो जहां जहां मंदिरों में चढ़ावा आता है उसको सरकार ने कंट्रोल कर लिया। अब सरकार इसको कैसे वापस करेगी जब आप वहां 1-1 रुपए चढ़ाएंगे, बाकी सारा पैसा धर्म के प्रचार पे अन्य तरीके से आप उपयोग करिए। आप भगवान को 1 रुपए चढ़ाएं या 1,00,000 चढ़ाएं भगवान उतने ही खुश होंगे। अगर आपको गलतफहमी है कि नहीं 1,00,000 चढ़ा देंगे तो भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, भगवान 1 रुपए में भी उतने ही खुश होंगे जितना 1,00,000 रुपए में खुश होंगे। तो कह लिए आप 1,00,000 रुपए चढ़ा रहे, आप 1,00,000 चढ़ाएंगे उसी से माइनॉरिटी स्कीम चलेगी, आप 1,00,000 रुपए चढ़ाएंगे उसी से हिंदुओं का कन्वर्जन होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं जो मंदिर सरकार के कंट्रोल में है उनमें आप केवल 1 रुपए चढ़ाइए, बचा हुआ जो आप दान करना चाहते हैं उसको उन कार्यों में लगाइए जिससे सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन संस्कृति आगे बढ़े, भगवद गीता का प्रचार हो, रामचरितमानस का प्रचार हो, रामायण का प्रचार हो। आप जो मंदिर में चढ़ाने की बजाय उस पैसे से घर वापसी के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, आप घर वापसी करने के लिए भी पैसे की जरूरत है, तो आप अपने पैसे से मंदिर में चढ़ाने की बजाय आप घर वापसी कराइए। आप मंदिर में चढ़ाएंगे तो कन्वर्जन होगा हिंदुओं का, इससे अच्छा है कि आप उस पैसे से घर वापसी करवाइए। कांग्रेस का महापाप सबको पता चलना चाहिए कि कांग्रेस तुष्टीकरण की किस चरम सीमा तक चली गई है, कांग्रेस सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए कितने कानून बना चुकी है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।